हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आप चैप्टर वन देखते हैं। अ वीक ऑफ जॉय मतलब खुशी का एक सप्ताह। तो इस पोयम का एक थीम है कि हर दिन, सप्ताह का हर एक दिन अपने जीवन में इम्पोर्टेंट होता है। सो वी शुड एंजॉय एवरी डे ऑफ वीक। तो इसलिए हम हर एक सप्ताह, हर एक दिन हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। देखते हैं चैप्टर में हम। मंडे इज फॉर मीटिंग, मंडे इज फॉर मीटिंग। मंडे मीटिंग के लिए है, बैठक के लिए है। बट ट्यूसडे इज फॉर टॉकिंग, लेकिन ट्यूसडे बात करने के लिए है। मंडे इज फॉर मीटिंग, मंडे बैठक के लिए है। बट ट्यूसडे इज फॉर टॉकिंग, लेकिन ट्यूसडे बात करने के लिए है। वेनेसडे इज फॉर वेटिंग, वेडनेसडे इज फॉर वेटिंग और वेनेसडे इंतजार करने के लिए है। बट थर्सडे इज फॉर थिंकिंग, लेकिन थर्सडे सोचने के लिए है। बट थर्सडे इज फॉर थिंकिंग, लेकिन थर्सडे सोचने के लिए है। फ्राइडे इज फॉर फिशिंग, फ्राइडे इज फॉर फिशिंग। फ्राइडे मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए है। बट सैटरडे इज जस्ट फॉर सिटिंग। संडे इज फॉर सनिंग विद एवरीवन एंजॉयिंग। बट सैटरडे इज जस्ट फॉर सिटिंग, लेकिन शनिवार बस बैठे रविवार के लिए है। बट सैटरडे इज जस्ट फॉर सिटिंग, संडे इज फॉर सनिंग, लेकिन सैटरडे बस बैठे रविवार के लिए है। विथ एवरी वन इंजॉइंग, जो हर किसी के साथ धूप का आनंद ले रहा है। मंडे इज फॉर मीटिंग, मंडे बैठक के लिए है। बट ट्यूसडे इज फॉर टॉकिंग, लेकिन ट्यूसडे बात करने के लिए है। वेडनेसडे इज फॉर वेटिंग, वेडनेसडे इंतजार करने के लिए है। बट थर्सडे इज फॉर थिंकिंग, लेकिन थर्सडे सोचने के लिए है। फ्राइडे इज फॉर फिशिंग, फ्राइडे फिशिंग करने के लिए है। बट सैटरडे इज जस्ट फॉर सिटिंग, लेकिन सैटरडे बैठे। संडे इज फॉर सनिंग मतलब बैठे रविवार के लिए है। बट सैटरडे इज जस्ट फॉर सिटिंग, लेकिन सैटरडे उस बैठे रविवार के लिए है। विद एवरीवन एंजॉयिंग, जो हर किसी के साथ धूप का आनंद ले रहा है।